नमस्कार, हम हैं भास्कर मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार। सिजीवाल की टीम इस समय चुनावी चैट के कार्यक्रम के तहत लोरमी विधानसभा का दौरा कर रही है। इसी दौरान जानकारी मिली कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अरुण साव लोरमी प्रत्याशी इस समय एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ आने पर पता चला कि दरअसल वो हृदय परिवर्तन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। साथियों, आइए जानते हैं कि वो अरुण साव जो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, तो एक गाना याद आता है, नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार तुम ही से कर बैठे। अरुण साव जी, आप तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। देखिए, मैं पार्टी का एक बहुत साधारण और छोटा कार्यकर्ता हूँ। बचपन से लेकर आज तक पार्टी ने जो आदेश किया उसका पालन किया है, और इस बार भी पार्टी का जो आदेश है उसका पालन कर रहा हूँ। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन, जनता का प्यार मिल रहा है। जो उत्साह युवाओं में दिखता है, माताओं बहनों में, वो निश्चित रूप से मुझे प्रेरित करता है। और इतिहास रचेंगे, लोरमी में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। यदि अरुण साव हर बार नकार देते हैं मेरे इस सवाल को, क्या ये एक सांसद का चुनाव लड़ना, क्या मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना है? मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैंने बूथ अध्यक्ष से लेकर अपनी राजनीति की शुरुआत की है, और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, परिश्रम की पराकाष्ठा करके, अपनी पूरी क्षमता और योग्यता का उपयोग करके काम किया है। आगे भी इसी तरह से काम करूंगा। जानकारी तो यह भी है कि तोखन साहू का टिकट कटता है और साहू समाज नाराज होता है, और पब्लिक कहती है कि जो हमें सीजीवाल को जानकारी मिली है कि तोखन साहू का टिकट कटा है, इसीलिए अरुण साहू का विरोध लगातार क्षेत्र में है। बिल्कुल भी कहीं विरोध नहीं है, पार्टी ने किसी की टिकट नहीं काटी है। पार्टी में कार्यकर्ता को पार्टी अलग अलग जिम्मेदारी, अलग अलग दायित्व देती है। इस बार पार्टी ने मुझे लोरमी से चुनाव लड़ने का दायित्व दिया है, और देख रहे हैं हम सब लोग मिलकर एक साथ लोरमी में कमल खिलाने के लिए लगे हुए हैं। आप अपने सिटिंग MLA का टिकट काट देते हैं, क्या असंतोष नहीं है ये? मैं रजनीश सिंह की बात कर रहा हूँ, और भी दो एक विधायक हैं। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पार्टी अपनी रणनीति के तहत, अपनी योजना के तहत अलग अलग कार्यकर्ता को अलग अलग समय पे अलग अलग जिम्मेदारी देती है, और जो जिम्मेदारी जिस कार्यकर्ता को मिलती है, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उसे उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ता है। अरुण साहब जी, वैसे तो आप बहुत विनम्र हैं। भाषण सुन रहा था, जनेऊ आ गया, कहीं इटली आ गई, गंगा जल आ गया, इतना उग्र तो आप कभी नहीं थे। देखिए, आज यह जो विधानसभा का चुनाव है, वास्तव में ये छत्तीसगढ़ को बचाने का चुनाव है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनाए हुए इस छत्तीसगढ़ को 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने जो दुर्दशा की है, अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों को जो तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है, माताओं बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाई है ये सरकार, ऐसे में छत्तीसगढ़ के आम नौजवान आक्रोशित है, गुस्से में है कि उनके सपनों को किस प्रकार से तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से मैं उन नौजवानों के साथ मजबूती से खड़ा हूँ, उनका भविष्य सुरक्षित हो, उनका भविष्य उज्ज्वल हो, और उनके हाथों में छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ साथ उनका भी भविष्य उज्ज्वल बने, इसके लिए पूरी ताकत से काम कर रहा हूँ। आपको मालूम है किस कर्ज माफ हो गया है? शिक्षा में KG 1-2 कॉलेज तक मुफ्त हो गया है, सब समर्थन मूल्य भी 2800 हो गया है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे आप दावा कर रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे? देखिए, आज आप हिसाब किताब करें, 2018 का कौन कौन से वादा पूरा हुआ? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है 2018 का, एक भी वादा। इनके जितने दावे हैं, जितने वादे हैं, कहाँ दिखता है? होर्डिंग में, विज्ञापन में, और कांग्रेसियों के जबान पे। धरातल में कुछ भी नहीं है।
जो सरकार 5 साल में एक प्राइमरी स्कूल प्रारंभ ना कर पाए, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ना खोल पाए, न सड़क, न पुल, न पुलिया, 5 साल में इस सरकार ने केवल छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को लूटने का ही काम किया है, धोखा देने का। किसान खुश है अरुण साहब जी? बिल्कुल नहीं है। किसानों को तो दोनों हाथ से लूटा है इस सरकार ने, दोनों हाथ से लूटा है। किसानों के रकबे काट दिए, बारदाने का पैसा आज तक नहीं दिया, रासायनिक खाद महंगी कीमत पर खरीदने पर मजबूर किया, वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर मजबूर किया। एक कर्ज माफी तो हुई है, कर्ज माफी कोस बैंक की इस बार भी है, केवल कोऑपरेटिव बैंक की, सेंट्रलाइज बैंक की तो नहीं हुई। आपने इतने सारे बैंकों का माफी ही नहीं किया। 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है? शराबबंदी का वादा कहाँ है? क्या 15,000 करोड़ रुपए जो इन्होंने कहा था युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, 10 लाख कि दिया कितना? 15,000 करोड़ का वायदा दिया कितना? 250 करोड़। क्या समझा आपने छत्तीसगढ़ के नौजवानों को? ठग लेंगे, धोखा देंगे। आज तो गली गली में, गांव गांव में विशेषकर नौजवान ये नारा लगा रहा है, औ नई सही बो बदल के रही बो। अंतिम दो सवाल, कल राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है कि कॉलेज तक शिक्षा मुक्त होगी, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कर्ज माफी होगी, इसकी कोई काट है? मैं आपसे कह रहा हूँ 2018 के वादों का तो हिसाब बताए राहुल गांधी, कहाँ कहाँ पर लगा है 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कौन से वो 10 लाख युवा हैं जिनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। आप फिर लौट के आ रहे हैं, आपका पार्टी चेहरा कौन है? मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम सरकार बनाएंगे, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो विधायक दल, आप हैं उसमें? मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, बहुत साधारण कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको ताकत के साथ निभाने का काम करता हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने इस नाते, प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरी ताकत से जुटा हुआ हूँ। लोरमी के मेरे साथी, मेरी जनता यहाँ का चुनाव लड़ रही है। आप संसदीय परंपरा को अच्छे ढंग से जानते हैं, मैं उसी परंपरा से एक सवाल अंतिम में कर देता हूँ। मोदी जी का एडवांटेज आप ले रहे हैं, उनका डिसएडवांटेज भी है। 15 लाख कहाँ है, शौचालय कहाँ है, बेरोजगारी 2 करोड़ प्रति साल आप देंगे रोजगार, वो कहाँ ये है? देखिए, ये कांग्रेस के लोग 75 साल से देश में भ्रम और झूठ फैलाने का काम करते हैं, वही झूठ और भ्रम है ये। नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में जो काम किया है, गांव, गरीब, किसान की तरक्की, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम, आज आम व्यक्ति जिस गांव में, जिस गली में, जिस व्यक्ति से पूछें 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कितना सीट पा रहे हैं, देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, हर व्यक्ति एक ही नाम लेता है, उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। कितना सीट पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमेशा की तरह अरुण साव इस सवाल को टाल देते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उत्तर बड़ा साधारण सा आता है कि मैं कार्यकर्ता हूँ। अरुण साव का स्पष्ट मानना है कि सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी की ही चलेगी, बनेगी, लेकिन यह भी उन्होंने वादा किया है कि किसानों को आने वाले समय में सरकार बनते ही उनके सारे दुख दर्द को दूर कर दिया जाएगा। लोरमी से सीजीवाल के लिए भास्कर मिश्र की रिपोर्ट।